हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ अचारी मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मैंने सौंफ लिए हैं, 3 चम्मच मैंने सरसों के दाने, राई से बोलते हैं, कलौंजी ले लेंगे हम, इसे मंगरेल भी बोलते हैं, इसे मैंने 3 चम्मच लिया है, 3 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच आमचूर पाउडर और 8 से 10 साबुत लाल मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सौंफ, मंगरेल, जीरा, मेथी और राई, ये सारी चीज़ें हम इसे भून लेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई को गरम करेंगे हम। कढ़ाई हमारी गरम हो गई, इसमें एक एक चीज़ करके डालेंगे। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, सौंफ, सरसों, मेथी और कलौ, सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और 2 से 3 में भून लेंगे अच्छी तरह से। दो से तीन मिनट में ये भून जाएंगे। देखिए अच्छी तरह से भून लेंगे हम। ये हो गया है, अब हम इसे उतार लेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम लाल मिर्च को भी थोड़ा सा भून लेंगे, जो इसमें मॉइस्चर है वो चला जाए। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। देखिए गैस का फ्लेम लो रखे और इसे करें। ये हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे, एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोनों को गरम गरम ना पीसे इसे। देखिए ठंडा हो गया है, हाथ से छू सकते हैं। अब मिक्सी बाउल ले लेंगे हम और इसमें हम डालेंगे, सारे मसाले डाल दें इसमें। लाल मिर्च भी डाल दें और सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पीस गया है, एकदम फाइन। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 आमचूर पाउडर, ये 3 चम्मच हैं। अब चाहे तो ऐसे भी मिला सकते हैं, पर मैं मिक्सी कर लूँगी, एक बार घुमा लूँगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे मसाले बनकर तैयार है। आप इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके भरकर रख दीजिए और किसी भी सब्ज़ी में आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छी बनती है रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे, दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ। मिलते हैं नए वीडियो में रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।